हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो काफ़ी दिन से हमने A12 डिस्कस नहीं भी किया है, ठीक है। तो आज क्या करने वाले हैं, फाइनली हम A12 डिस्कस करेंगे एक करके, ठीक है। आशा करता हूँ ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो नंबर ही नहीं दिख रहा होगा, बाकी तो सब दिख रहा होगा वैसे, ठीक है। एक एक करके हम बातें करेंगे, हो सकता है हमारा दो वीडियो में A12 डिस्कस होगा, ठीक है। तो पार्ट वन और पार्ट टू करके करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो A12 कब का डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली आज संडे है, ठीक है। तो A12 हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 28, 29 और 27 का, ठीक है। तीन दिन का A12 डिस्कस नहीं किया था, वैसे आज है 1 मार्च, संडे का दिन है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली दिन में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है। और देखो अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेट डे पे A12 डिस्कस करेंगे, ठीक है। रीजन देखो उसका क्यों है, उसका वीक में बात बताना चाहता हूँ। देखो इंडिया यूएसए का रिलेशन, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे तब हम कह रहे थे कि क्या क्या हमें मिलने वाला है, ठीक है। आ गए तो हम कहते हैं इससे हमें क्या मिला। अब देखो UPSC ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे तो हमने उम्मीदें क्या क्या की थी, ये UPSC कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और कहाँ से बनने के चांसेस नहीं होते हैं। हम इन दोनों में बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं यूट्यूब या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं, हम बस पढ़ते हैं आने वाले हैं तो इससे क्या लाभ होगा, आके गए तो क्या लाभ होगा, यही हम एनालिसिस करते रहते हैं। बट UPSC में जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ठीक है, कि आने वाले हैं तो क्या लाभ हुआ और गए तो हमें क्या लाभ हुआ। नहीं, UPSC क्वेश्चन नहीं पूछेगा। UPSC क्या पूछेगा, UPSC पूछेगा कि भारत और USA के रिलेशन कैसे हैं, उस पर टिप्पणी करिए, ठीक है, उसका एनालिसिस करिए। वहाँ आप ये लिखोगे कि हमारे देश के रिलेशंस कैसे हैं, वहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखेंगे। बट बेसिकली हम इसमें चर्चा करने वाले कि देखो उनके जाने से क्या क्या फर्क पड़ा और इंडिया को क्या क्या लाभ हुआ और आपको आगे चल के क्या क्या करना है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बोडो समझौते के बारे में मैंने तो वक्त डिस्कस किया है, फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़े से पॉइंट और डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका अब आउटकम आने लगा। आउटकम मतलब जो बोडो समझौता हुआ तो ये कहा गया था कि सारी चीज़ें स्मूथ रहने वाली है, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। बट बेसिकली अब क्या हो रहा है, बोडो जैसे समझौता हुआ है तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके अपोजिट रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। जो समुदाय हैं, जो अलग जातियाँ हैं, बोडो के अलावा जो जातियाँ हैं, अब उनका रिएक्शन आ रहा है, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, ठीक है, कि वो अलग से अलग स्टेट की मांग करने लगे। तो बोडो लैंड क्या है, बोडो समझौता क्या है, उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसको बोडो अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे आधार का यूज। देखो आधार का यूज तो आज के टाइम पर जनरली हम फॉर्म तक में करते हैं, बट क्या आधार का यूज जितना यूजफुल हमने सोचा था क्या उतना हम कर पाए। बेसिकली आधार का देखो तो यूज हम तीन जगह करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो LPG गैस की सब्सिडी में करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की सब्सिडी में करते हैं, उसके साथ साथ जो PDS स्कीम होती है उसकी में करते हैं, ठीक है। बेसिकली LPG में करते हैं, PDS स्कीम में करते हैं और महात्मा गांधी नरेगा में करते हैं, इसको मनरेगा बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, मनरेगा में करते हैं, इन्हीं जगहों पर करते हैं, ठीक है। तो देखो इन तीनों में बेसिकली हम गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडाइज चीज़ें देती हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। COVID-19 देखो चाइना के वुहान सिटी में फैला था, करीब हमें लग रहा है कि 4th-5th टाइम हम लोग COVID-19 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मुद्दा थोड़ा अलग है। क्यों, COVID-19 को एक कोरोना वायरस कहते हैं, WHO ने इसको नाम दिया था, आधिकारिक नाम दे दिया था। अभी क्या है, जापान, साउथ कोरिया, ईरान, इटली, ठीक है, अब इन देशों में बहुत तेजी से फैलने लगा है, ठीक है। तो अब इस वजह से चर्चा में है, तो इसको डिस्कस करेंगे कि देखो अभी क्या है ना, जब कोरोना वायरस सबसे फैलने लगा है तो पार्टियां वगैरह कम करें। क्यों, क्योंकि जो साउथ कोरिया में फैला है, चर्च में लगभग 700-800 लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें एक 16 साल की लड़की थी जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड थी, ठीक है। अब हुआ क्या, उन 700-800 में से लगभग 700 के आसपास जितने लोगों से वो जा जाकर मिले, मतलब कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है, एक पर्सन इफेक्टेड है, ठीक है, अब वो क्या रहा है, किसी और के टच में जा रहा है, टच में इन द सेंस ये हवाओं से फैल रहा है बेसिकली ये। तो अगर उसके टच में आ गया, ठीक है, वो वायरस इनके एक दूसरे के पर्सन के टच में आ गया, बेसिकली अगर हम बात करें एक पर्सन यहाँ जो इन्फेक्टेड है उससे, ठीक है, मान लेते हैं एक पर्सन ये है जो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, आपको यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है इसके आसपास में, तो इसको क्या हो सकता है, वाहक के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो यही हुआ, चर्च में लगभग 700 से 800 लोग इकट्ठा थे और उसमें से कुछ लोगों को सडनली हुआ और उन लोगों से बाकी जिनसे मिले उनको हो गया, तो लगभग 700 के आसपास केसेस आए साउथ कोरिया में, तो अब ये बाहर फैल रहा है। उसका थोड़ी सी चर्चा करेंगे ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता है जनरली, हम वेस्टर्न घाट की हमेशा बात करते हैं, पश्चिमी घाट की जब इंडिया का मैप बनाएंगे तो इधर होता है आपका ईस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट इधर होता है और आपका वेस्टर्न घाट इधर होता है, ठीक है। तो इधर देखोगे तो आप इधर तमिलनाडु जाता है, इधर केरला, कर्नाटक, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट के बारे में चर्चा करेंगे, जनरली हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हम चर्चा ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के दो बड़े संगठन, जैसे बात करें तो SAARC और बिम्स्टेक,
अन्य देशों की, अन्य संगठनों की तुलना में, जैसे आसियान की बात करते हैं, आरसीपी की बात करते हैं, अभी तो 15 मेंबर है, भारत अलग हो गया, ठीक है, आरसीपी की बात करते हैं या फिर यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो उनके कंपेयर में हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो साउथ एशिया है उसकी हालत कैसी है, हमारे संगठन अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, वो हम एक एक करके देखने वाले हैं। और सबसे पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे कफ सिरप के बारे में, तो कफ सिरप के बारे में चर्चा में क्यों है, एक कोल्ड बेस्ड पीसी करके कफ सिरप था, ठीक है, इसका नाम था कोल्ड बेस्ड पीसी। बेसिकली देखो जितनी दवाएं बनती हैं इंडिया में ना, दवाओं की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है पता है आपको, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा देखो तो सोलन होता है। सोलन कहाँ पे दोस्तों, ये है डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, सॉरी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, सोलन एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है सोलन। आप देखो ज़्यादातर जितनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग दवाओं की, जितनी आप बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखोगे सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएगी सोलन में, सोलन बद्दी कुछ प्लेसेस हैं उधर देखोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज साथ साथ आपको देखो सोलन वगैरह में इंजीनियरिंग कॉलेज ज़्यादा मिलेंगे, बट मेडिकल कंपनियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हुआ क्या इस कफ सिरप में, हुआ क्या दोस्तों इसमें, हुआ क्या कि इस कफ सिरप को पीने की वजह से जम्मू कश्मीर का एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या हुआ, लगभग 12 बच्चों की मौत हो गई। हुआ क्या, इसमें एक चीज एलिमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं डाई इथाइलिन, ठीक है, ग्लाइकोन, ठीक है, डाई इथाइलिन ग्लाइकोन, ग्लाइकोन है ना, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल है, ठीक है, ग्लाइकोल, राइट। तब होता क्या है कि दोस्तों ये एक सपोज को होता क्या कि जब हम कोई दवाई बनाते हैं ना या दवा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है मल्टीपल कंपाउंड्स हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें से कंपाउंड ये भी यूज होता है। अब हुआ क्या कि इसकी मात्रा या तो एक्सेस हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ जो कफ सिरप था ना वो पॉइजनस हो गया, ठीक है, वो पॉइजन के रूप में क्या करने लगा, काम करने लगा। पॉइजन का मतलब, पॉइजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जहरीला, ठीक है, जहरीला बन गया बेसिकली, ठीक है, तो क्या हुआ वो जहरीला बन गया बेसिकली ये था, ठीक है, तो डाइथाइल ग्लाइकोन ग्लाइकोल था जिसकी वजह से क्या हुआ ये जहरीला हो गया कफ सिरप और बच्चों के पीने की वजह से मौत हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो हिमाचल गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि हमने एक्शन लिया है और जिन्होंने जितनी चीज़ें निकाली हैं हम उसकी तहकीकात करेंगे, बेसिकली हिमाचल गवर्नमेंट ने ये चीज़ें कही हैं। अब देखो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है कि सिरप में ये हमें मिला कि इस सिरप को पीने से 12 बच्चों की मौत हो गई। अब ये सिरप इंडिया के किस किस कोने में भेजी गई थी, हमारा काम क्या था, इसको एनालिसिस करना, कहाँ गया, कैसे है, सारे बैचेस उसके ढूंढना कि इस बैच की आपने डिस्पैच कहाँ पे क्या क्या किया है, ये अगर ये सारी चीज़ें हम ढूंढ पाते हैं तो हमें ये पता लग जाता दोस्तों कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ कहाँ भेजी है। बट बेसिकली हमने इसमें क्या किया, बहुत ढिलाई बरत दी कि हम क्या करेंगे, इसकी जाँच करेंगे, बेसिकली ये कहा गया। और इसके अलावा हम बताएं तो अगर बात करें तो हमारा DGCI है, ठीक है, DCGI बोलते हैं बेसिकली, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको बोलते हैं DCGI या DCGI बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जितने भी ड्रग्स होते हैं, नाम में ही है, ड्रग कंट्रोलर, ड्रग को कंट्रोल करते हैं जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं ये लोग दोस्तों जितनी दवाएं होती है, ठीक है, जितनी दवाएं आती है जाती है वो सबको रेगुलेट करने का काम बेसिकली ये करते हैं। लेकिन इन्होंने भी देखो अपनी वेबसाइट पर कुछ इसके बारे में डाला नहीं अभी तक, जब अभी तक केस हो चुके हैं, लेकिन इसकी अपनी वेबसाइट पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं डाला कि ये दवाएं मिली हैं और इसके लिए कुछ आपको हमें, हमने ये एक्शन लिया, हमने इस फील्ड में ये काम किया है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया था अमेरिका का, अमेरिका में एक बार ऐसे ही हुआ कि एक सिरप पीने की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई, तो गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया इस पर, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जितने बैचेस उसने निकाले थे सारे के सारे ट्रेस करने चालू किए। उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ आपने भेजे हैं पूरा हमें डिटेल्स चाहिए, फिर वहाँ पर उन्होंने जाके क्या किया, रिकवर करने की कोशिश की। इवन जिनके ट्रेस नहीं मिले उन्होंने क्या किया, मतलब देखो यही होता है जागरूकता करना, उन्होंने टीवी पे ऐड, रेडियो पे ऐड, हर जगह दिया कि देखो इस कलर का, इस कलर की बोतल है, इस ऐसा सिरप है, अगर आपको मिलता है किसी भी दुकान में मिल जाए तो आप कंप्लेन करो, हमारी अथॉरिटी जाएगी सारे कलेक्ट करेगी, फाइन नहीं देंगे, सारी जाके कलेक्ट करेंगी, ठीक है। इवन बहुत सारी दुकानों ने क्या किया था, अपने यहाँ मंगाया, ठीक है, जब उनको पता चला तो उन्होंने नाले में फेंक दिया या फिर कहीं फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया। यहाँ उनकी अथॉरिटी ने दोस्तों जाके डस्टबिन से निकाल वो सिरप वापस क्या किए थे, इकट्ठा किए थे सारा, ठीक है, इस लेवल तक काम किया था। जनता ने भी देखो उसमें सहभागिता दिखाई थी,
जनता को दिखा दिया कि ये वाला सीन आपको नहीं लेना है तो नहीं लेना है, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो। आज के टाइम में हम अपने इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, क्यों ऐसा क्यों है, ठीक है। हम कहते हैं विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम वर्ल्ड की पावर बनना चाहते हैं, हम चाइना को टक्कर देना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को टक्कर देना चाहते हैं, हम यूएसए को टक्कर देना चाहते हैं, हम कहते हैं हम फ्रांस इटली ब्राज़ील को टक्कर देना चाहते हैं, हम विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसमें भी हम और ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में ऊपर जाना बड़ी बात नहीं है, आपको सब कुछ संभाल के लेके चलना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे एक अच्छा आप देखो अमेरिका क्यों है, पूरे वर्ल्ड का चौधरी उसको क्यों कहा जाता है, उनका एक्शन तुरंत होता है, इमीडिएट रिएक्शन देते हैं वो लोग। हम क्या करते हैं, हमारे लिए वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हम देते हैं जो हमें लगता है, बट बेसिकली लोगों की जिंदगियां सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्रिटिसिज्म नहीं लिखना है, मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि जो कमियां हैं हम उस कमियों को कैसे सुधार सकते हैं। एग्जांपल क्या है, अमेरिका से देखिए, ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे व्हाट्सएप हमारे पास है, फेसबुक हमारे पास है, सब कुछ यूज करते हैं लोग आज के टाइम पे, लगभग मुझे लगता है कि जितना यूथ है सारे लगभग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, मुझे लगता है 5-10% हो गए जो लोग शायद एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ ना करते हो, बट जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हो मैं ये तो मानता हूँ कि आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो, या तो लैपटॉप यूज कर रहे होंगे या तो एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो तभी आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो, राइट। तो वहाँ तक तो हम न्यूज़ पहुँचा सकते हैं, और ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर में से कुछ ना कुछ या तो न्यूज़पेपर कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही होगा मोबाइल में एटलीस्ट, ठीक है। तो उनके तक न्यूज़ तो आराम से पहुँच जाएगी, लेकिन हम पहुँचाने के लिए क्या होना चाहिए, शिद्दत वाला प्यार होना चाहिए, ठीक है, शिद्दत वाला काम होना चाहिए, प्यार नहीं काम के साथ प्यार होना चाहिए, तब जाके आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अमेरिका ने किया, हम क्या कर सकते थे, इसकी फ़ोटो निकालते। आप देखो कैसे कैसे, आप अगर एग्जाम में पूछ ले तो कैसे आंसर दोगे, भैया न्यूज़पेपर में ऐड देते, रेडियो, टीवी, ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, या भी उसको बोलते हो शायद आप लोग, व्हाट्सएप, ठीक है, उसके अलावा ट्विटर, मोदी जी ट्वीट कर देते जितने मिलियन फॉलोअर हैं कि ये वाली दवाई से बचे रहे, प्रेसिडेंट हमारे ट्वीट कर देते तो लोगों में जागरूकता फैलती कि नहीं फैलती, राइट, जितने हमारे मिनिस्ट्री है वो ट्वीट कर देते, फिर उसके बाद ये न्यूज़पेपर, रेडियो, ठीक है, टीवी, यूट्यूब, ये फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सारे लोग अगर एक साथ काम करते दोस्तों तो चीज़ें क्यों पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है इसी दुनिया में इसी जगह पे, राइट। तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, हर मेडिकल वाले को मैसेज भेजा जाए कि भैया अगर आपके पास है तो ये आप रिटर्न कर दीजिए, उसके एवर्ज में हम लोग जो पैसा आपका जो भी आपका एक तरह से कह लो कि एरियर बनता है वो हम सारा वापस करवा देंगे आपको, ठीक है, कंपनी से आपको एरियर वापस करवा देंगे, राइट, लेकिन हमें आप वापस करिए। तब जब ऐसी मुहिम हम चलाएंगे तब जाके हम क्या कर सकते हैं, एक एक पर्सन के देखो आज के टाइम पर हमारे लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 125, 130 करोड़ की जनसंख्या होगी हमारी तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं है, ठीक है, हर एक पर्सन की इज्जत, हर पर्सन की वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके देश महान बनेगा, ठीक है। ऐसे महान नहीं बन पाएगा कि हम कहते हैं वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, वर्ल्ड के लीडर तब बनेंगे जब पहले घर अच्छा करेंगे, तब जाके हम बाहर राज करेंगे, हमारा घर ही क्या हो सही नहीं हो और हम कहते हैं बाहर के हम चौधरी बनना चाहते हैं, बाहर राज करना चाहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा, घर में सब कुछ चलेगी तो बाहर कैसे राज करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखिएगा, अब ऐसे नहीं लिखना कि घर में राज कैसे करोगे, बेसिकली ये रखना कि अगर हम वर्ल्ड की, देखो आंसर कैसे फ्रेम करना मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। हाल ही में एक कफ सिरप में कुछ हानिकारक या जहरीले तत्व तो पाए गए, उसके बारे में टिप्पणी करिए, भारत की क्या प्रक्रिया रही उसके बारे में लिखिए, बेसिकली अगर आप ऐसे पूछ लें, या आपसे इंग्लिश में ऐसे ही पूछ देगा, ठीक है, कि रिसेंटली वी हैव सीन इन द कफ सिरप देयर वी हैव फाउंड सम पॉइजनस थिंग्स, What was the reaction of India? ठीक है, इंडिया का रिएक्शन क्या था, बेसिकली आपसे ऐसे पूछ सकता है, राइट। तो आप बेसिकली इसमें क्या कहोगे, ठीक है, देखो सिंपल सा आप लिखना चालू करोगे कि हाल ही में कफ सिरप पाया गया, नाम याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी अच्छी बात है, ठीक है। आप ऐसे लिख दो कि हाल ही में कफ सिरप पाया गया जिसमें क्या हुआ कि कुछ हानिकारक तत्व पाए गए, ठीक है, कुछ पॉइजनस थिंग्स पाए गए। अब अगर इसका नाम याद है आपको, ठीक है, डाई एथाइल इथिलीन ग्लाइकोल, अगर नाम याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब भी ठीक है, ऐसा नहीं कि नाम याद रखना ही रखना है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी लिख सकते हो कि कुछ हानिकारक सिम्टम्स पाए गए जिसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं। देखो एक कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें कई केमिकल कंपोजिशन मिलाए जाते हैं, बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो आप सीधे लिख दोगे कि उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, उसमें से एक ऐसा तत्व था जिसकी मात्रा अधिक होने के कारण क्या हुआ, बेसिकली वो पॉइजनस हो गया, और उसकी वजह से अगर आपको याद है तो जम्मू कश्मीर का उधमपुर याद है तब भी ठीक है, नहीं तो जम्मू कश्मीर तो इतना याद रख सकते हो कि जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन लिया, ठीक है, गवर्नमेंट के ढीली रिएक्शन के कारण क्या हुआ कि जो पॉइजनस खाने मतलब पॉइजनस जो कफ सिरप की वजह से जो 12 बच्चों की मौत हो गई, डेथ हो गई, शायद
और भी ज़्यादा बच्चों की मौत हो सकती थी अगर गवर्नमेंट अच्छा रिएक्शन नहीं लेती तो। अगर अच्छा रिएक्शन ली है तब आप उसके फेवर में बोलेंगे, अगर अच्छा रिएक्शन नहीं लिया और कहीं एक दो जगह ऐसे और कांड हो गए और ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास तो आप कहोगे कि एग्जाम्पल देते हुए यूएसए का कि यूएसए जैसे देश में हम देखते हैं कि यूएसए ऐसे ऐसे रिएक्शन लेता है। और ये सारी चीज़ें आज के टाइम में हमारे लिए पॉसिबल है, हम ये नहीं कह सकते कि वो डेवलप है और हम डेवलपिंग है ना, आज के टाइम पर तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सबके पास इंटरनेट है। नोटबंदी हुआ, शाम तक हर घर को पता हो गया, अगले दिन सुबह तक हर एक घर को पता हो गया कि नोटबंदी हो गई। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें आपकी तरह फैल सकती हैं तो फिर ये क्यों नहीं फैल सकता, समझ रहे हो आप? तो ये बेसिक चीज़ें जस्ट आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसमें जो जो मेन मेन सबसे पहले है ना, तो मेन मेन आर्टिकल डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने कफ सिरप ले लिया, अब उसके बाद बात करते हैं आधार का यूज। ठीक है, देखो आधार के यूज़ की बात करें, ठीक है, तो या फिर सार के ले लेते हैं सबसे पहले, चलो सार का। अब सार की बात करें, ये बना दोस्तों तो 1985 में था। ठीक है, अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर का काठमांडू में याद रखेंगे, बिम्स्टेक की बात करें तो ढाका में से कैपिटल हेडक्वार्टर ये याद रखेंगे आप। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। अब इसके पहले मेंबर कंट्री भी याद रखिए कौन कौन है, जैसे बिम्स्टेक की बात करें तो बांग्लादेश, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है, इंडिया, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका एसएल, ठीक है, फिर थाईलैंड, ठीक है, उसके बाद नेपाल और भूटान, एक तो ये हो गया। अब सार्क देशों की बात करें तो सार्क देशों में कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, 3-6 और शायद बांग्लादेश आ जाएगा आपका। ठीक है, बांग्लादेश एक मिनट चेक भी कर लेता हूँ, आपका आ जाएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ठीक है, हमने भूटान लिखा है, भूटान, अच्छा भूटान भी लिख लीजिएगा, इसमें भूटान नहीं लिखा हमने। ठीक है, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, ठीक है, और नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, हाँ ठीक है, हो गए सारे। ठीक है, अब देखोगे तो जनरली आप इसमें देखोगे तो बांग्लादेश भी यहाँ पे है, बांग्लादेश भी यहाँ पे है, इंडिया यहाँ, इंडिया यहाँ, म्यांमार तो नहीं, बस म्यांमार ही एक है जो नहीं है, म्यांमार की जगह म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, बाकी देखोगे तो एक कंट्री यहाँ, 2, 3, 4, 5 पाँच कंट्रीज में से पाँच यहाँ पे है, वो पाँचों कंट्रियाँ यहाँ पे हैं। ठीक है, बेसिकली ये, और जो नए ऐड हुए हैं इसमें कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका मालदीव। ठीक है, अब बेसिकली देखो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें 7 कंट्री है, इसमें 8 कंट्री होनी चाहिए, अगर काउंट कर लेते हैं 3, 6, 7 ठीक है, 7 है इसमें 8 है। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अच्छा, बिम्स्टेक कब बना था, तो ये भी याद रखेंगे, 6 जून 1997 को बिम्स्टेक बना था। ठीक है, तो बेसिकली चीज़ें याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल हमारा नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना होना चाहिए था उतना सक्सेसफुल नहीं है। बट इसे कंपेयर में आप देखो आसियान के, देखो आसियान के 10 कंट्रियाँ हैं। ठीक है, आसियान के 10 की 10 कंट्रियाँ दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म मतलब बहुत अच्छा क्या कर पाती है, वो बिजनेस कर पाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्या कर पा रही है, जस्ट बिम्स्टेक ना, हाँ ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं, परफॉर्म्स कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखोगे तो जितनी हमारे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे हम सार्क की बात करें चाहे हम बात कर लें बिम्स्टेक की, आप देखोगे तो हम इंटरनल ट्रेड भी नहीं कर पा रहे हैं और बाहर के देशों के साथ भी हम बहुत अच्छा ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप आसियान को देख लो, ठीक है, 10 कंट्रियाँ आसियान की, आसियान को देखो, यूरोपियन यूनियन को देखो, ठीक है, उसके बाद RCEP के देख लो, ठीक है, RCEP, इनको ग्लोबली अगर ट्रेड देखोगे दोस्तों ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा, हो सकता है ये इंटरनल ट्रेड कम करते हो लेकिन बाहर ट्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता, कैसे पॉसिबल है या कैसे ये हो सकता है अगर इसकी बात करें। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज़ सिंपल सी है, सिंपल सी क्या चीज़ है, देखो इनका क्या है कि जैसे सपोज करो RCEP की बात कर ले, मान लेते यहाँ पे मलेशिया था, ठीक है, और यहाँ पे फिलीपींस था, ठीक है, मान लेते फिलीपींस और मलेशिया थे, तो हो सकता है कि मलेशिया क्या कर रहा हो, मलेशिया बहुत सारे क्या कर रहा हो, मान लेते ऊन का प्रोडक्शन कर रहा है, मान लेते ऊन का प्रोडक्शन कर रहा है, और फिलीपींस भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऊन का प्रोडक्शन करता है। अब इन्होंने म्यूचुअली क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, मलेशिया ने कहा यार हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी अच्छी क्वालिटी होती है, तो तुम क्या करो ऊन की बजाय आप क्या करो, तुम कुछ और किसी और चीज़ की, कपास की, मतलब किसी और चीज़ की प्रोडक्शन तुम कर लो। बेसिकली इन्होंने कहा वीट की तुम प्रोडक्शन करने की कोशिश करो, अगर वीट हो जाए तुम्हारे यहाँ तो वीट की प्रोडक्शन करो। अब इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ
एक तो इनका आपस में कंपटीशन कम हो गया, दूसरा एक दूसरे को सहयोग करेंगे हम। जैसे अगर इनके यहाँ ऊन होगा तो ये कुछ सस्ते दाम पे क्या करेंगे, इनको भेज देंगे, और इनको वीट चाहिए होगा तो इनके कुछ सस्ते दाम में भेज देंगे। लेकिन जब ग्लोबली इनको ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब आरसीईपी में अगर रह के आसियान में रह के, आसियान के मेंबर हैं मान लेते हैं, अगर इनको यूएसए कुछ भेजना होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों यूएसए के साथ ट्रेड कर पाएंगे। बट दोनों अगर ऊन ऊन ही उगाते, ठीक है, दोनों ये भी आप ऊन उगाते, मतलब कपास या जिसको आप रुई कहते हो बेसिकली भाषा में, अगर ये ठीक है, ये दोनों ऊन ही उगाते बेसिकली अगर, तो एक इनका यूएसए को भेजना होता तो ये दोनों आपस में कम्पीट करते, शायद मार्केट में जो प्राइस मिलना चाहिए था उससे भी कम में भेजते। बट आप देखोगे तो इनका आपस में कंपटीशन कम हो गया, लेकिन बाहर के साथ क्या करेंगे, बाहर अन्य देशों के साथ ये कम्पीट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं सार्क और बिम्स्टेक में। अब सार्क में देखो कौन है, पाकिस्तान और इंडिया, आपस में नहीं पड़ती भैया, इसकी वजह से सबका बेड़ा गर्क कर देते हैं हम, ठीक है। और दूसरा ये है, जैसे आप यहाँ पे बांग्लादेश की भूमिका ले लो, अब जैसे इंडिया क्या करता है, कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी अच्छा कौन नहीं है, बांग्लादेश है। अब हम आपस में भिड़े रहते हैं कपड़े को ट्रेडिंग को लेके, हम अब इंडिया बड़ा देश है दोस्तों, तो इंडिया ऐसा भी तो कर सकता है, कपड़े का जो ट्रेड है इनको दे दें, भैया तुम कपड़े के ट्रेड करो, और जो तुम छोटे छोटे मान लेते हैं कुछ कपास के उत्पादन, ये भी लोग मान लेते करते हैं, गेहूं के उत्पादन करते हैं, तो हम कह देंगे तुम गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम करो, गेहूं का उत्पादन हम बढ़ा देते हैं, तुम कपड़े का उत्पादन अपना बढ़ा दो, हम कपड़े का उत्पादन तुम कम कर देते हैं, या फिर थोड़ा अलग डायरेक्शन में हम उसको कर लेते हैं, मतलब बाकी देशों के साथ ट्रेड कर लेते हैं, आपस में ट्रेड वार नहीं करते हैं बेसिकली, ऐसा कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस आपस में ट्रेड पे जोर न देके क्या करते हैं, हम लोग एक साथ मिलके बाहर के देशों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने ही में कंप्लीट करते रहते हैं, फिर बाहर के देशों के साथ हम कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाता है, इशू हो जाता है, ठीक है। सेम ऐसे बिम्स्टेक की बात है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा देश इंडिया जाता है, इंडिया अपने को दादा समझने लगता है यहाँ पर, क्योंकि हम क्या हैं, हम तो दादा हैं इनके, जो कहेंगे सब मानेंगे, तो ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम सबका साथ सबका विकास वाली बात हमारे कभी प्रधानमंत्री कहते हैं तो सेम वैसे ही है, अगर ग्लोबल पावर बनना है आपको, ग्लोबली अगर कंप्लीट करना है, तो सबका साथ सबका विकास के साथ ही कॉन्सेप्ट आप जाएंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपसी अगर हम लड़ाई झगड़े अपने पड़ोसियों के साथ लड़ते रहेंगे तो बाहर विकास कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर हमारे देश के अंदर अगर कोलाहल है, ठीक है, दंगे हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, तो हम बाहर क्या जाके बाहर कंप्लीट कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। पहले घर के मामले सुलझाएं कि बाहर के मामले देखें, राइट। तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाएंगे, समस्या हो जाएंगी। तो बेसिकली चीज़ कही जाती है दोस्तों कि हमें देखो आपस में भी समझना पड़ेगा, प्लस अगर सारे अगर ये मेंबर कंट्री नहीं मानने को रेडी हो तो तीन चार का ग्रुप बना है कि हम भी क्या कर सकते, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप बना के हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आधार का यूज। देखो आधार का यूज हम एलपीजी सिलेंडर्स में करते हैं, पीडीएस में करते हैं, मनरेगा में करते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है, आईआईटी केजीपी जिसको बोलते हैं, खड़गपुर ने कोशिश की, ठीक है, कि हम कुछ थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर नहीं था, तीन रिसर्चर्स थे बेसिकली, आईआईटी खड़गपुर तो इसमें था ईस्टर्न घाट में, आईआईटी खड़गपुर अच्छा इसमें था, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर इसमें था, मिस कर रहा था। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ, देखो एलपीजी की बात करें, पीडीएस की बात करें, या मनरेगा की बात करें, तो लगभग तीन पर्सन थे बेसिकली, उन्होंने क्या किया, एलपीजी जो एलपीजी की बात करें, ठीक है, तो ठीक है, तो देखो बेसिकली ये कहा जाता है कि देखो आधार का जो हमने किस लिए किया था, आधार को हम मनी बिल के रूप में भी लाए थे, क्यों लाए थे, उसका रीजन क्या था, उसके पीछे पर्पस क्या था, बेसिकली ये चीज़ कही जाती है। देखो आधार का यूज हमने इसलिए कहा था दोस्तों कि अगर हम आधार बेस्ड करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोगों के पास क्या होता था, जैसे जो राशन कार्ड होता था, राशन कार्ड एक पर्सन के नाम पे तीन तीन होते थे, एक पर्सन ने तीन तीन राशन कार्ड बना लिए, एक ही पर्सन ने तीन तीन एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन ले रखा है, ठीक है, और एक ही पर्सन ने मनरेगा के दो दो तीन तीन जॉब कार्ड बनवा रखे हैं, जैसे उसका नाम था राम लाल, ठीक है, तो एक में लिखाया राम लाल, दूसरे में लिखाया राम लाल सिंह, तीसरे में लिखा दिया बस राम लिखा दिया, मान लेते राम लाल सिंह उसका पूरा नाम था, ठीक है, एक में लिखा है राम लाल सिंह, दूसरे में लिखा है राम लाल, तीसरे में लिखा है राम, तीनों में अपने पैसे ले रहा है, तीन बैंक अकाउंट खुलवा लिए, एक राम लाल के नाम से, एक राम के नाम से, एक राम लाल सिंह के नाम से, ठीक है, ऐसे करके उसने क्या किया, पहले अकाउंट खुलवा के और अपने मजे ले रहे थे। तो आधार आने से क्या फ़ायदा हो गया, जितने अकाउंट इसके अगर मान लेते तीनों SBI में खुलवा रखे थे, कहीं भी अकाउंट खुलवाएगा तो आधार से लिंक रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कितने अकाउंट्स हैं। जैसे ही आधार आया तो एटलीस्ट ये क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ये कहीं राम लाल रहेगा, चाहे राम रख लो, चाहे राम लाल रख लो, चाहे राम लाल सिंह रख लो, ये हो गया, ठीक है, एक जो हो गया।
अब एलपीजी सिलेंडर तीन ले रखे थे, आधार से लिंक करा तो एक ही हो गया, तो यहाँ भी एक हो गया। राशन कार्ड तीन बना रखे थे, जब आधार से ऐड हुआ तो एक ही हो गया। क्यों? क्योंकि आधार यूनिक आईडी होती है और एक ही बनेगा। अब दोबारा अगर गलती हो जाए तो दोबारा से बनवा भी नहीं सकते, आपको उसी फॉर्म को करेक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तो फायदा हुआ कि एक एक हो गया, लेकिन होता क्या था कि अगर 100 रुपये गवर्नमेंट भेजती थी तो लोगों के पास 70 रुपये ही या 60 रुपये पहुँचते थे, बेसिकली 60 रुपये या 70 रुपये के आसपास पहुँचते थे, तब भी 40% के आसपास गबन हो ही जाता था। इसमें कमी नहीं आई, तब भी लोग भले ही कम हो गए लेकिन कमी इसमें नहीं आ पाई, इसमें आज भी क्या है 40% ही है, ठीक है। तो कुछ रिसर्चर्स जिन्होंने छत्तीसगढ़ वगैरह में रिसर्च किया, उन्होंने देखा कैसे कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो उन्होंने एक तो देखा कि जहाँ पे आप क्या करें पीडीएस स्कीम, जहाँ पर राशन मिलता है, ठीक है, तो उसको एक तो कर दिया कि आधार वालों को दिया जाएगा बस, और एक ऐसी दुकान खोजी जहाँ पे बिना आधार के आपको राशन दिया जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या पड़ता उसका एनालिसिस किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या पाया कि दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। इवन उन्होंने एक चीज़ पाया, देखो अब पीडीएस स्कीम का मतलब है कि जो राशन कार्ड के थ्रू आपको राशन मिलता है, तो एक को बनाया आधार बेस्ड, ठीक है, एक को क्या बना दिया आधार बेस्ड बना दिया, ठीक है। दूसरा बनाया नॉन आधार, मतलब बिना आधार के आपको तुरंत राशन मिल जाएगा, बिना आधार के आइए और आप राशन लेके जाइए, और एक को आधार कंपलसरी हो गया, ठीक है। एक में इन्होंने कह दिया कि आपके लिए आधार कंपलसरी है तभी आपको क्या मिलेगा राशन मिलेगा, ठीक है। एक में कह दिया कि आधार रहेगा तभी राशन मिलेगा। अब इन्होंने क्या पाया, जहाँ आधार नॉन आधार वाला था ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, गबन तो इसमें भी 30-40% रहा और यहाँ पर भी 30-40% चल रहा है गबन, 30-40% यहाँ भी है, करप्शन कह सकते हो आप इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोगों को सहूलियत ज़्यादा मिली, मतलब यहाँ के लोगों को दोस्तों एक तरह से कह दो लाभ ज़्यादा मिला, किस सेक्शन में लाभ मिला है, कैसे लाभ मिला बेसिकली बात करें। आधार वाले बेस्ड में दिक्कत क्या आई, या तो उसका फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा ढंग से तो उसको राशन नहीं मिलेगा, या इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इसको राशन नहीं मिलेगा, ठीक है, या उसका सिस्टम खराब हो गया है तो भी आपको राशन नहीं मिलेगा। अब होगा क्या, एक बार आए फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा था, बोला कल आना, ठीक है, आप 10-15 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, 10 किलोमीटर चलो छोड़ देते हैं, मान लेते हैं 3 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, आप अपनी बाइक लेके आए या कार लेके आए, फिर चले गए आप, बाइक लेके आए, मान लेते हैं बाइक से आए आप, बाइक लेके चले गए, फिर अगले दिन आए बोला इंटरनेट चल रहा है, फिर आए फिर गए, तो आपने 2 दिन का समय अपना दिया, पहली चीज़। दूसरा कि आपका इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ, शायद आप वो टाइम कहीं और प्रोडक्टिव लगा सकते थे लेकिन आप नहीं लगा पाए। इसके अलावा सिस्टम खराब है, ये खराब है, फिर 1 हफ्ते बाद ये 3 हफ्ते बाद है, तो उसमें टाइम बहुत जाएगा। लेकिन मैनुअली में क्या हुआ, आप आए तुरंत राशन लिए चले गए, तो आपने अपना काम बाकी भी निपटा लिया, बट कि इसके जगह कि आप 3 बार एक ही काम के लिए आ रहे हो, तो ये इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ कही जाती है, देखो कि इसमें क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि आधार से हमने लीकेज रोक पाए या आधार को हम ज़्यादा सिस्टमेटिक बना पाए, हमने सोचा अच्छा लेकिन हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसमें ये चीज़ कही जाती है, देखो सरकार को दोस्तों इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इवन सरकार भी डाटा सही से रिलीज नहीं करती, ये भी चीज़ कही जाती है। अगर पीडीएफ स्कीम के थ्रू अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि डाटा हमारे पास अच्छा आ रहा है, तो आप उसको हर जिले का एक एक करके या हर जिले का हर कोटे का दिखाइए कि इस कोटे से इतने लोग थे, इतने लोग आए, इतने लोग को इतने टाइम में हमने सारी चीज़ें दे दी। अगर हम ऐसा दिखा नहीं पाते और फिर हम कहते हैं कि बस एक डाटा जस्ट गवर्नमेंट निकाल देती है, कहती है कि हमने क्या किया, हमने दोस्तों इतनी सारी चीज़ें बेनिफिट लिए और लोगों को इतना बेनिफिट पहुंचाया, बेसिकली हम यही कहते रहते हैं, बट हम ये नहीं देखते हैं कि इससे कितना घाटा होता है लोगों का, समय की बर्बादी कितनी होती है। इन मुद्दों पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ कही जाती है, देखो आधार यूजफुल अच्छा है, लेकिन देखो उससे ये तो है कि नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए जो ज़्यादा हुआ करते थे, मतलब एक की जगह 3 लोगों ने कनेक्शन ले रखे थे तो वो तो कम हुए, लेकिन हम लीकेजेस अभी भी नहीं रोक पाए हैं। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे, फुल प्रूफ कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। जितनी बेसिक चीज़ें याद रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और बाकी 4 रह गए हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।